हेलो नमस्कार स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो है इंडियन रिवर पार्ट टू। देखिए, इससे पहले मैंने पार्ट वन में तीन नदियाँ पढ़ा दिया था जो तिब्बत वाली नदियाँ थी, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। ये तीनों नदी के बारे में मैंने पहले की वीडियो में पार्ट वन में पूरा डिटेल पढ़ा दिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को जाकर देख लें, ताकि ये वीडियो आपके लिए आसान हो देखना। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन रिवर पार्ट टू। देखिए, मैं तीन तीन नदियों के हिसाब से समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। लंबा वीडियो नहीं बना रहा क्योंकि आजकल बच्चे देख नहीं पाते, तो चलिए विलंब न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट जो हमारी तीन नदियाँ हैं वो हमारी हैं नेपाल से निकलने वाली नदियाँ। कहाँ से? नेपाल से। तो नेपाल से निकलने वाली नदियों में जो पहला है वो है गंडक। नेपाल से निकलने का मतलब है कि नेपाल के रास्ते होकर भारत में आने वाली नदियाँ, क्योंकि निकलती तो ये नेपाल के ऊपर हिमालय की पहाड़ियों से है। ठीक है, तो इनमें ये पहली नदी। चलिए पहले हम एक काम करते हैं, डायग्राम देख लेते हैं इन तीनों नदियों का, क्या है इससे हमको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, ये वाला हिस्सा जो है ये है नेपाल। देखिए अच्छे से, देखिए ये जो है ये हिस्सा है नेपाल। ठीक है, तो इसके रास्ते होकर भारत में आने वाली तीन नदियां हैं। तो देखिए, ये देखिए, ये जो यहाँ से निकलकर पहाड़ियों से नेपाल के रास्ते होते हुए ये जो नदियाँ आ रही है ये है गंडक। देखिए, ये पटना के पास में आकर गंगा नदी से मिल जाती है, तो ये है गंडक। उसी प्रकार यहाँ से देखिए, ये पहाड़ी नेपाल के ऊपर हिमालय की पहाड़ियों से निकलकर एक नदी आ रही है। ये ऐसे नेपाल के रास्ते होकर भारत में आकर ये यहाँ पर ऐसे आकर ये पटना से पहले यहाँ पर एक नदी मिलती है, ये घग्गर। ठीक है, तो गंडक, घग्गर, और देखिए एक नदी यहाँ से निकल कर आ रही है नेपाल के ऊपर में से। ये यहाँ से होते हुए, काठमांडू होते हुए ये यहाँ पर जाकर ये मिल रही है, ये है कोसी। ठीक है, तो ये तीनों नेपाल से होकर भारत में आने वाली नदियाँ हैं और गंगा में तीनों मिल जाती हैं। कौन कौन सी? तो घग्गर, गंधक और कोसी। तो इन्हीं तीन नदियों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, गंधक बिहार और नेपाल में बहने वाली एक नदी का नाम है। इस नदी को नेपाल में शालिग्रामी और मैदान में नारायणी कहते हैं। ठीक है, यह पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई लगभग 1310 किलोमीटर होगी। गंधक नदी नारायणी नदी भी कहलाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है। यह मध्य नेपाल और उत्तर भारत में स्थित है। यह काली और त्रिशूली नदियों के संगम से बनी है। देखिए, कौन कौन सी नदियों की? काली और त्रिशूली नदियों के संगम से ये बनी है, जो नेपाल की उच्च हिमालय पर्वत श्रेणी से निकलती है। इनके संगम स्थल से भारतीय सीमा तक नदी को नारायणी के नाम से जाना जाता है। यह दक्षिण पश्चिम में, पश्चिम दिशा में भारत की ओर बहती है और फिर उत्तर प्रदेश बिहार राज्य सीमा के साथ गंगा के मैदान में दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है। यह 765 किलोमीटर लंबे घुमावदार रास्ते से होकर गुजर कर पटना के सामने गंगा नदी में मिल जाती है। देखिए कहाँ मिलती है? तो पटना के सामने गंगा नदी में मिल जाती है। बूढ़ी गंडक नदी, यह एक पुरानी जलधारा है जो गंडक के पूर्व इसके समांतर बहती है। यह मुंगेर के पूर्वोत्तर में गंगा से जा मिलती है। देखिए, एक बार और डायग्राम की सहायता से देख लेते हैं कि गंडक नदी कहाँ से कहाँ जाती है। तो देखिए, गंधक ये वाली नदी है, तो ये नेपाल है, ये वाला जो हिस्सा नेपाल था। देखिए, नेपाल के ऊपर ये हिमालय की पहाड़ी है, यहाँ से निकल कर ये आ रही है, ये नेपाल के रास्ते होते हुए ये गंधक नदी। ठीक है, मैं इसको और अच्छे से आप लोग को दिखा देता हूँ। देखिए, गंधक जो नदी है वो ये है, कलर हम चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं। तो गंडक नदी, देखिए ये जो ब्लैक वाला है ये है गंडक नदी, ये आकर ये पटना के पास में मिल रही है, ये वाली ये नेपाल से आकर मिल रही है। ठीक है, तो ये गंडक नदी, और गंडक नदी का डिटेल आप लोगों ने देख लिया। इसके बाद देखेंगे हम घग्गर, घग्गर नदी का डिटेल। तो घग्गर नदी का डिटेल भी हम देख लेते हैं, ये कहाँ से कहाँ जा रही है। देखिए, ये जो है ये वाली नदी है घग्गर, ये
ये जो आ रही है ये घग्गर नदी, और ये आके यहाँ नेपाल के ऊपर की पहाड़ियों में से निकलती है और आके मिलती है। तो घग्गर नदी का डिस्क्रिप्शन हम देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो घग्गर, ये नदी घग्गर नदी को घोगरा या कर्नाली नदी भी कहते हैं, उत्तरी भारत में बहने वाली एक नदी है। यह नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। यह दक्षिणी तिब्बत के ऊंचे पर्वत शिखरों यानी हिमालय से निकलती है, जहां इसका नाम कर्णाली है। इसके बाद यह नेपाल से होकर बहती हुई भारत के उत्तर प्रदेश व बिहार में प्रवाहित होती है। लगभग 970 किलोमीटर की यात्रा के बाद बलिया और छपरा के बीच यह गंगा में मिल जाती है। इसे सरयू नदी, सरजू, शारदा आदि नामों से भी जाना जाता है। तो घग्गर नदी के बारे में भी हमने पढ़ लिया। इसके बाद देखेंगे हम, देखिए एक बार और देख लेते हैं घग्गर नदी। तो ये जो पीला वाला जो लाइन है, ये पीला, ये है घग्गर नदी। घग्गर नदी देखिए, ठीक है, ये घग्गर नदी है, ये पीली लाइन। अब इसके बाद में हम देखेंगे कोसी नदी। देखिए कोसी नदी, तो कोसी नदी नेपाली में कोशी, नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत में दाखिल होती है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है, जिससे इस नदी को बिहार का अभिशाप कहा जाता है। दिखाए बिहार का शौरो, शौरो कहते हैं, ठीक है। तो बिहार का शोक जो कहते हैं हम, किसको कहते हैं, कोसी नदी को। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है कि शौरो बिहार, तो बिहार का शोक। तो कौन सी नदी कहते हैं, कोसी नदी कहते हैं। नेपाल के रास्ते भारत में आने वाली ये तीन नदियां हैं। तो इस नदी का उद्गम स्थल नेपाल के पहाड़ से हुआ है। इस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पर लिख दिया, इस नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है। यह नदी भागलपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। देखिए अब कोसी नदी को भी हम एक बार डायग्राम में देख लेते हैं। देखिए जो ब्लैक से है, जो ब्लैक से है वो क्या था, एक मिनट देख रहे हैं, ठीक है। देखिए ये जो ब्लैक वाला है ये है गंडक नदी, ये गंडक। येलो लाइन वाला है घग्गर। अब देखिए कोसी नदी, तो ये जो है ये ऐसे आकर यहाँ से यहाँ ये ऐसे गंगा में मिलेगी। तो ये है कोसी नदी, ठीक है। नेपाल की पहाड़ियों यानी हिमालय की पहाड़ियों में से निकलकर नेपाल के रास्ते होकर ये आती है। और ये तीनों देखिए गंगा नदी में ही मिलती है, भारत आने वाली नदियाँ हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे इन तीन नदियों के बारे में। तो आज के लिए ये तीन नदियाँ ही थी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद आगे और हम तीन नदियाँ देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।